भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मना रही है और इस विशेष दिन के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कटनी जिले अध्यक्ष ने जोरदार विकेट लिया है और इसके तहत जिले के वरिष्ठ पूर्व कांग्रेस नेता सुनील रांधेलिया ने भी आज भाजपा कार्यकाल में भाजपा जिला अध्यक्ष के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा अन्य 50 लोग भी भाजपा के स्थापना दिवस पर दल बदल कर भाजपा में शामिल हुए हैं। बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके और एक कार्यकर्ता की तरह हमेशा काम करता रहा हूँ और जो राम करने जो किसी के। बड़ा ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हम सभी लोग 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। पूरे देश में हमारे बूथ स्तर तक स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो शून्य से शिखर तक अभी पहुंची है, लगातार अपनी रीति नीति उद्देश्य विचार सेवा संगठन के भाव के साथ कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये स्थान प्राप्त किया है। आज वर्तमान में पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का जो हमें गर्व महसूस हुआ है, केवल अपने विचारों के कारण से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उसी रीति नीति को तहत आज हमारे बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। जिला कार्यालय के इस कार्यक्रम में अभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदरणीय सुनील रांधेलिया जी, हमारे मनोज बाजल जी, उनके साथ विभिन्न सभी पदाधिकारी कांग्रेस के जो पूर्व में रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सभी लोगों ने आज ज्वाइनिंग की है। हमारी पूर्व पार्षद कविता जी ने भी आज यहाँ ज्वाइनिंग की है, उनके साथ बड़ी संख्या में माता शक्ति ने भी यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है और निश्चित तौर पर हम अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते, वंदन करते, अभिनंदन करते हैं।